आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए है कुछ स्पेशल। अब स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी। अपने पुत्र यानी के बजरंग बली के चमत्कार से हर कोई युगो युगो से वाकिफ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इटावा के बिहड़ों में यमुना नदी के किनारे बसे बजरंग बली के मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित है उसे जुड़ा चमत्कार यहां आने वाले हर श्रद्धालु को अपनी मुरीद बना लेता है। इसे देखने के लिए लाखों लोग श्रद्धा भाव के साथ यहां आते हैं। कहा जाता है कि यहां हनुमान जी के चमत्कार का आलम ये है कि सैकड़ों साल से कोई भी इस मूर्ति का मुख भर नहीं पाया और इस प्रतिमा के मुंह में प्रसाद के रूप में जो भी डाला जाता है वो सब कहां जाता है ये चिरकाल से कोई नहीं जान पाया। यहां आने वाले श्रद्धालु चाहे कितना प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान जी का मुंह कभी नहीं भरता। प्रतिमा पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद की मात्रा 5 किलो हो या फिर 10 किलो हो, सब हनुमान जी के मुख में समा जाता है। लोग मूर्ति से सांस लेने और राम राम की आवाजें उन्हें सुनाई देने का भी दावा करते हैं। उनका कहना है कि हनुमान जी अभी भी जीवित हैं और राम राम का जप करते हैं। पानी के बुलबुले की भी आवाज़ आती है। पानी ठंडा होने के बावजूद बुलबुले की आवाज़ सुनाई देती है। देखने में तो ये एक छोटी सी प्रतिमा लगती है, लेकिन इस प्रतिमा का चमत्कार देख सभी हैरान हो जाते हैं। दक्षिण मुखी लेटी हुई हनुमान की मूर्ति इटावा के अतिरिक्त सिर्फ इलाहाबाद में है। हनुमान मंदिर के मुख्य महंत धर्मेंद्र दास का कहना है कि वैसे तो हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति इलाहाबाद में भी है, लेकिन जैसी मूर्ति यहाँ पर है ऐसी दूसरी मूर्ति देश और दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में नहीं है। हनुमान जी इस प्रतिमा के मुख में हर वक्त पानी भरा रहता है। कितना भी प्रसाद मुंह में डालो पूरा प्रसाद मुंह में समा जाता है। आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये प्रसाद जाता कहाँ है। महाबली हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई है और लोगों की माने तो ये मूर्ति सांस भी लेती है और भक्तों के प्रसाद भी खाती है। कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी खुद जीवित रूप में विराजमान है। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहद पसंद आई, और नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।